हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेरी वेरी वेलकम टू दिस सेशन। और आज के सेशन में हम क्लास 11 के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। अगर क्लास 11th में आप हैं तो आपको पता होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में एक टॉपिक है, और ये क्लास 12th वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स के एक नए पोर्शन में आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये आपको डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करने को भी मिलता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों होता क्या है, लेट्स सी। रिलेटिव वेलोसिटी की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, देन हम आगे चलेंगे कि एक्चुअली में ये होती क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन काफी सिंपल है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी अदर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसके थ्रू अगर देखी जाती है तो उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, चलो आओ एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप कभी ना कभी ट्रेन में ज़रूर बैठे होंगे। लेट्स से कि आप इस ट्रेन में बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आप डिसाइड कीजिए। आप अपने रिलेटिव के यहाँ जा सकते हैं, अपने ननिहाल जा सकते हैं, अपने ददिहाल जा सकते हैं, जहाँ आपकी मर्जी हो आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि ये ट्रेन है, और इस ट्रेन में ये आप यहाँ पर बैठे हैं, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है। अब कितनी वेलोसिटी से चल रही है वो हम लेट्स से बाद में देखते हैं, ये किसी वेलोसिटी से तो इस डायरेक्शन में चल रही है। और इस तरफ ट्रेन की इस तरफ एक पेड़ है। अब पेड़ की तो कोई वेलोसिटी होती नहीं है, पेड़ कैसा रहेगा बच्चों, रेस्ट पर रहेगा, ठीक है। लेट्स से कि ट्रेन जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक बार के लिए हम रेफरेंस ले लेते हैं, ट्रेन ये जो पेड़ है ऑब्वियसली रेस्ट पर रहेगा, और यहाँ पर बच्चों है प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है एक और लेट्स से पैसेंजर, बोलो क्लियर। और ये भी बच्चों रुका हुआ है, ये भी रेस्ट पर है, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों की वेलोसिटीज आपको पता है, ये दोनों रेस्ट पर हैं और ये ट्रेन इस तरफ मूव कर रही है। अगर मैं पूछूँ तुमसे कि बच्चों ये जो पैसेंजर है इसकी वेलोसिटी कितनी है, तुम मुझे बोलोगे कि मैम इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, ये रुका हुआ है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर ये जो बच्चा बैठा है इस बच्चे से पूछूंगी कि इस पैसेंजर की वेलोसिटी तुम्हें कितनी दिखाई दे रही है, तो ऑब्वियसली बच्चों जब आप ट्रेन में बैठे होते हो तो प्लेटफॉर्म पर जो पैसेंजर होते हैं वो आपको रेस्ट पर दिखाई नहीं देते, वो आपको पीछे की तरफ उतनी ही वेलोसिटी से जाते हुए दिखाई देते हैं। लेट्स से कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन इधर चल रही है, तो इस ट्रेन के अंदर जो भी बैठा होगा उसको ये पैसेंजर उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाता हुआ दिखेगा, जबकि ये पैसेंजर रुका हुआ है। समझ में आया? तो पैसेंजर की वैसे कोई एक्चुअल में कोई वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन अगर मैंने इस बच्चे को पूछा तो इस बच्चे के लिए, या फिर मैं बोलूँ इस बच्चे के रिस्पेक्ट में जो पैसेंजर का वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर है इस डायरेक्शन में। समझ में आया? तो किसी के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट हो सकती है। किसी ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव में जो वेलोसिटी होती है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। इस पैसेंजर का वेलोसिटी जीरो है एक्चुअल में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसका जो वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर इसके रिलेटिव में है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है। इसी में और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज मैं इस पैसेंजर को पूछूंगी कि पेड़ का वेलोसिटी कितना है, तो ये बोलेगा ऑब्वियसली पेड़ दूसरी साइड में रुका हुआ है, रेस्ट पर है। लेकिन मैं अगर इसको पूछूंगी तो इसके लिए पेड़ मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, वही पीछे की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाता हुआ इस बच्चे को दिखाई देगा। जबकि इससे पूछेंगे तो इसके लिए पेड़ रुका हुआ है इसके रिलेटिव में, इसके लिए पेड़ का वेलोसिटी इसके रिलेटिव में पेड़ का वेलोसिटी जीरो है, लेकिन इसके रिलेटिव में पेड़ का वेलोसिटी है पीछे की तरफ जाता हुआ। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड या फिर वेलोसिटी या फिर पोजीशन देखते हैं तो वो अलग अलग होता है। किसी ऑब्जेक्ट का किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर किसी और ऑब्जर्वर के थ्रू जो वेलोसिटी होगा वो ऑब्वियसली अलग होगा, वो ही उसका रिलेटिव वेलोसिटी होता है। अब रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं? यहाँ पर तो बहुत इजीली पता चल गया था कि पीछे की तरफ जा रहा है उतनी वेलोसिटी से, लेकिन अगर ये भी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होता तो हम किस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं? इसके लिए बच्चों कुछ फॉर्मूलाज हैं, काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है, लगाना भी काफ़ी सिंपल है। लेट्स से कि हम मान लेते हैं
कि हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए ऑब्जेक्ट और लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है बी ऑब्जेक्ट, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं लेकिन अलग अलग वेलोसिटी से। लेट्स से कि ए इस तरफ वी ए वेलोसिटी से चल रहा है और बी इस तरफ वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शंस। जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, सेम डायरेक्शन, व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम ही डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहला है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ए का वेलोसिटी हम बी के रेस्पेक्ट में बच्चों फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, कि ए के लिए बी का वेलोसिटी कितना है। ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं मतलब कि ए पर बैठना है तुमको, मतलब ए के थ्रू, ए की आंखों से तुमको देखना है कि बी का वेलोसिटी तुमको कितना दिखाई देगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज रिप्रेजेंटेड बाय वी ए बी, दैट इज वी ए माइनस वी बी। ठीक है, सिमिलरली अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए अगर आपको देखना हो, बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में अगर आपको देखना हो, मतलब कि आप अब ए पर बैठ जाइए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ए के रेस्पेक्ट में आपको बी का वेलोसिटी देखना है तो आप ए पर बैठ जाइए, बी को देखिए, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में देखना है तो आप बी पर बैठ जाइए। तो वी बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। बोलो क्लियर। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं तो वेलोसिटीज कम हो जाती है, ऐसा हमेशा हमको फील भी होता है जब हम लेट्स से किसी बस में बैठे हैं या फिर किसी कार में बैठे हैं, तो हमारे पास से अगर कोई कार या फिर कोई बस या फिर कोई मोटरसाइकिल जाती है तो उसकी स्पीड भले ही ज़्यादा हो लेकिन हमें कम दिखाई देती है, क्योंकि सब स्टैक होकर के दिखाई देती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एग्जाम्पल लेट्स से कि अब तुमको कार में बिठाते हैं ना, लेट्स से कि एक कार है, कौन सी कार है, वैसे तो बोलेरो दिख रही है लेकिन मान लो कि ये एक कार है और ये कार इस तरफ चल रही है, कितनी वेलोसिटी से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इस कार को ये नाम भी दे देते हैं, इस कार को मैं ए नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब पास में एक साइकिल है बेचारी, ठीक है, मरी मरी सी चल रही होगी हुई, ठीक है, ये है साइकिल और ये इस तरफ चल रही है लेट से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस साइकिल को मैं बी नाम दे देती हूँ। तो आपको या तो ये पूछ सकता है कि कार का वेलोसिटी साइकिल के रेस्पेक्ट में कितना है, या फिर आपको ये पूछ सकता है कि साइकिल का वेलोसिटी कार के रेस्पेक्ट में कितना है। तो दो क्वेश्चन हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ कार मतलब कि ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब कि इस कार का वेलोसिटी साइकिल को कितना दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, अगर साइकिल पर कोई बैठा होगा तो उसको कार का वेलोसिटी कितना दिखाई देगा। अच्छा, सेकंड है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कितना दिखाई देगा, मतलब अगर कोई कार में बैठा हो तो उसका साइकिल, उसको साइकिल का वेलोसिटी कितना दिखाई देगा। तो अब सिंपल बच्चों आपको फॉर्मूला लगाना है, वी ए बी, वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है, वी ए ऑब्वियसली कितना हो गया, ये वी ए है 100 और वी बी कितना हो गया 20, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20, दैट मीन्स 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि अगर आप साइकिल पर बैठे हैं जो खुद 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो आपको कार जो 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है उसकी वेलोसिटी आपको 80 ही दिखाई देगी, क्योंकि 20 से तो तुम खुद चल रहे हो ना, तुम खुद 20 से चल रहे हो, वो 100 से चला लेकिन तुमको उसकी वेलोसिटी 80 दिखाई देगी। क्या कार की एक्चुअल में वेलोसिटी 80 है, नहीं, साइकिल के रेस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी 80 है, तो ये कार की रिलेटिव वेलोसिटी हो गई विथ रिलेशन ऑफ साइकिल, साइकिल के रिलेटिव में। अब उल्टा क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब कि इस कार का
सॉरी इस साइकिल का वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में कितना है। अगर कोई कार में बैठा हो तो उसको साइकिल का वेलोसिटी कितना दिखाई देगा। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। वी बी का वैल्यू है बच्चों 20 और इसका वैल्यू हो जाएगा 100, दैट मीन्स माइनस 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर माइनस में आया, देखो दिख तो उसको भी 80 रहा है लेकिन माइनस में, माइनस का मतलब क्या हो? माइनस यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप मानते हैं कि ये वाली डायरेक्शन आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटीज को पॉजिटिव लिया है, दैट मीन्स ये डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन बच्चों नेगेटिव हो गई। मतलब कि ये वेलोसिटी पीछे की तरफ है। अगर कोई कार में बैठा है तो उसको साइकिल पर जो बैठा है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। किधर? पीछे। और ऑब्वियसली अगर आप किसी कार में बैठे हैं, आप फास्ट चल रहे हैं, तो आपको बाकी सारे व्हीकल पीछे भले ही चल रहे आगे हैं लेकिन जाते हुए पीछे ही दिखाई देते हैं, है कि नहीं? तो इस ये होता है बच्चों नेगेटिव का मतलब। नेगेटिव का मतलब यह है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ जाते हुए ये दिखाई देगा। दोनों का इस दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना हुआ? 80। इसको भी 80 दिख रहा है, इसको भी 80 दिख रहा है, लेकिन इसको आगे जाता हुआ 80 दिख रहा है, इसको पीछे जाता हुआ 80 दिख रहा है। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। अब क्या हो अगर दोनों ऑब्जेक्ट ओपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो? तो नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक रहता है व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ओपोजिट डायरेक्शंस। जब ऑब्जेक्ट्स ओपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हो, जैसे कि ए है लेट्स से इस तरफ में मूव कर रहा है और बी है वो वी बी वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये ओपोजिट डायरेक्शंस हो गए। अब भी आपको कोई नया फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सेम वही होगा। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी भी निकालेंगे और आप वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए भी निकालेंगे, ठीक है? लेकिन बच्चों क्योंकि अब यहाँ पर दो डायरेक्शन है, एक आगे वाली भी है एक पीछे वाली है, तो आपको किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव चूज करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव चूज कर लेते हैं कि दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव चूज कर लेते हैं, दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। अब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव होगी और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगी, तो मतलब बी का जो वेलोसिटी है वो वी बी नहीं माइनस वी बी रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला होता है वी बी माइनस माइनस वी बी, है कि नहीं? नेगेटिव में है ना, दैट्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ऐड हो जाएगा। मतलब कि अगर आप बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो उसको ए इसी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, ऑब्वियसली बी पर बैठो ए इस तरफ ही जाता दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव आया और वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगे। जब ओपोजिट डायरेक्शन में व्हीकल्स मूव करते हैं तो आपको जो सामने आ रहा व्हीकल होता है भले उसकी स्पीड कम हो लेकिन फिर भी बहुत तेज लगती है, क्योंकि आपको स्पीड वेलोसिटी ऐड हो करके दिखाई देती है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए हो जाएगा बच्चों वी बी माइनस वी ए, और वी बी को लेंगे माइनस में, मतलब कि माइनस वी ए प्लस वी बी, इसको भी वेलोसिटी ऐड हो करके ही दिखाई देगी। ए के रेस्पेक्ट में जो बी है वो इस तरफ मूव कर रहा है, ऑब्वियसली बैठ जाओ ए पर, देखो बी किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी और इसको भी ऐड होकर के वेलोसिटी दिखाई देगी। दो ऑब्जेक्ट के बीच में मतलब कि एक को दूसरा और दूसरे को पहला सेम वेलोसिटी से दिखाई देता है जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है बट ओपोजिट डायरेक्शन में। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में अब अपन एक ऑटो ले लेते हैं ना, ठीक है? लेट्स से कि ये ऑटो है ना, और ये ऑटो लग नहीं रहा लेकिन इस तरफ जा रहा है, लेट्स से कितना वेलोसिटी से, ये ए है और ये जा रहा है लेट्स से 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। और अब क्या बनाओ, अब क्या बनाओ, लेट्स से कि एक कार है और वो कार इस तरफ मूव कर रही है, दिस कार भी वो इस तरफ मूव कर रही है लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऑटो ज़्यादा फास्ट चल रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पर
वी ए भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. आपको दोनों में से कोई एक पॉजिटिव चूज करना है, दैट इज पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव. तो वी ए माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, वी बी हो जाएगा. तो वी ए का वैल्यू कितना हो गया, 80 माइनस माइनस 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 80 प्लस 60 एंड दैट इज 140 किलोमीटर पर आवर. मतलब कि ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट, मतलब अगर कोई बी पर बी में बैठा है तो उसको ए इस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. पॉजिटिव आया है मतलब कि ये वाली डायरेक्शन में. अब ये वी बी ए कितना होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. क्या ये आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है ये भी बताइए, और नेगेटिव आ रहा है तो क्यों ये आंसर नेगेटिव आ रहा है एक्सप्लेन कीजिए कमेंट सेक्शन में. इसी तरीके से हम और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे. मिलेंगे बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक केयर एंड बाय.